उसी से रिलेटेड हम आपको एक्सरसाइज एक्सप्लेन कर रहे हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज है आपके चिट्ठी का रेट। चिट्ठी का रेट का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा, जिसमें थ्री आंसर जाते हैं जिसमें थ्री राइट होता है और बाकी टू रॉन्ग होते हैं, उसी तरीके से ये आपकी है चिट्ठी का रेट। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ प्लांट मेक फूड, हमें बताना है कि पौधे का फिर कौन सा भाग है जो पौधों के लिए भोजन तैयार करता है। तो आप जानते हैं वह कौन सा भाग है, लीव। विच पार्ट ऑफ द प्लांट लीव ये गेन कार्बन डाइऑक्साइड, हमें आपको ये बताना है कि पत्तियों से कार्बन डाइऑक्साइड कौन से कहते हैं, क्लोरोफिल। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट के कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट, आपको ये बताना है फोटो प्रकाश संश्लेषण करते समय पौधे कौन सी गैस कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और कौन सी बाहर करते हैं। ऑक्सीजन, विच ऑफ दिस इज नाउ एज अ किचन ऑफ प्लांट, अब हमें आपको ये बताना है कि किचन का पौधा किसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है, लीव को। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव लीव, आपको पता होगा फिर कौन सा पौधा है जिसमें पत्तियां नहीं होती, कौन सी नहीं होती, कैक्टस में। ये आपकी चिट्ठी का है, आप फिल कर सकते हैं या वाइट कर सकते हैं। सेकंड आपका नेम ऑफ द फॉलोइंग, नेम ऑफ द फॉलोइंग का मतलब है यहाँ आपको वन लाइन में सेंटेंस दे रखा है, उसे ओनली वन वर्ड में कन्वर्ट करना है। जैसे कि द फ्लैट बोर्ड सरफेस ऑफ द लीफ, वह कौन सी पत्ती है जिसका संकर बिल्कुल एक सा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, लीफ ब्लेड। संकर जिसका समान होता है उस पत्ती को हम क्या बोलते हैं, लीफ ब्लेड। फिर उसके बाद है द विंग विच रन अलोंग द सेंटर ऑफ द लीफ, लीफ के बिल्कुल सेंटर यानी कि बीच में क्या पाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मिडवे। पत्तियों के बीच में जो भाग पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, मिडवे। उसी के बाद है द मिडिल पोरस ऑन द लीफ, यानी कि लीफ में जो छोटे छोटे कण होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं स्टोमेटा। जस्ट उसके बाद है द ग्रीन सबस्टेंस इन द लीफ, पत्तियों में जो हरा भाग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। पत्तियों में जो हरा पार्ट पाया जाता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, क्लोरोफिल। द प्रोसेस थ्रू विच आर लीफ प्रिपेयर फूड, पत्तियों में जो भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं, फोटोसिंथेसिस। पत्तियां जो अपना भोजन तैयार करती है उन्हें हम किस रूप से जानते हैं, फोटोसिंथेसिस। अ प्लांट इन विच द फूड इज प्रिपेयर्ड बाय द स्टेम, फिर कौन सा पौधा है जो तने द्वारा अपना भोजन तैयार करता है, कौन सा है, कैक्टस। ये आपके नेम द फॉलोइंग है, इन्हें वन वर्ड में कन्वर्ट करना था जो हमने आप लोगों को किया है, आप इसके आगे का आप देखेंगे। चलिए इसके आगे था आपका, हमने अभी करा थी नेम ऑफ द फॉलोइंग, जस्ट उसी के बाद आते हैं आपके फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स का मीन्स तो आप लोगों को पता होगा कि एक सेंटेंस दे रखा होता है उसमें जो आंसर फिल नहीं होता है उस ब्लैंक को हमें क्लियर करना पड़ता है। जैसे कि है द बेस्ट ट्रैप मैक्सिमम सनलाइट, वह कौन सी ट्रैप है जो मैक्सिमम सनलाइट को देती है, वह कौन है, लीफ ब्लेड। हमने आपको लेसन में भी बताया था कि लीफ ब्लेड की एक ऐसी लीफ मानी जाती है फर्स्ट सूर्य की रोशनी को उतनी ही देती है जितनी उसे आवश्यकता होती है। एयर एंटर्स एंटर एंड लीफ द लीफ थ्रू द स्टोमेटा। हमने लेसन में आपको ये भी बताया था कि हवा पत्तियों में किसकी सहायता से पत्तियों के अंदर पहुंचती है, सीड के अंदर किसके द्वारा पहुंचती है, स्टोमेटा के द्वारा। प्लांट्स प्रोड्यूस डैश ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस लिए करते हैं, खाना बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, फूड खाना। इन कैक्टस फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द स्टेम, हमने आपको ये भी बताया था कैक्टस ये एक ऐसा पौधा है जो पत्तियों से फोटोसिंथेसिस नहीं करता, ओनली अपनी स्टेम की हेल्प से फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है। फोटोसिंथेसिस
जो एक फोटोसिंथेसिस के बाद चेन इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड विदाउट ऑक्सीजन। हमने आपको लेसन एक्सप्लेन करते समय यही बताया था कि प्लांट फोटो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं, जो हमें सांस लेने के लिए जरूरी होती है। उसी तरीके से आपकी ये फिल्म डब्लेक्स कंप्लीट हो चुकी है, उसकी आगे का आप लोगों को बताते हैं, उसके बाद में आपके ट्रू फॉल्स सही या गलत। एक बार फिर से हम आपको ये एक्सप्लेन कर दें और आगे ट्रू फॉल्स हम आपको समझाते हैं। इसके पहले हमने आप लोगों को FIP बताई थी, अब उसके जस्ट बाद में आपके ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स का मतलब तो आपको पता होगा कि जो लाइन हमने राइट की है उसके जैसे कि प्लांट्स नीड केयर ऑन फूड। आपको पता है पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, ये आपने लेसन में भी पढ़ा है और हम अच्छे से जान लेते हैं। तो ये क्या है ट्रू। लीव्स गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती हैं? नहीं, ये क्या है फॉल्स। फिर है आपका प्लांट स्टोर एक्स्ट्रा फूड एज स्टार्च। हमने ये लेसन में भी पढ़ा है कि पौधे जो उसका अधिक मात्रा में भोजन मिल जाता है वो कहाँ स्टोर करके रखता है स्टार्च में, इसलिए क्या है आपका ट्रू। फिर है आपका एनिमल गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड विच इज अब्सॉर्ब्ड बाय प्लांट ड्यूरिंग द डे। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जानवर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जो पौधे लेते हैं? नहीं, ये क्या है फॉल। द ग्रीन कलर ऑफ लीव इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रोमेटा। स्ट्रोमेटा के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है? नहीं, क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, इसलिए क्या है फॉल। उसके बाद है स्ट्रोमेटा है प्लांट इन ब्रीथिंग। स्ट्रोमेटा पौधों को सांस लेने में सहायता प्रदान करता है, ये क्या है आपका ट्रू। ट्रू फॉल्स के बाद में आपकी मैजिक। मैजिक का मतलब तो आपको पता ही है कि एक वर्ड को दूसरे वर्ड से कनेक्ट करना, यानी कि वो किससे मैच कर रहा है। जैसे क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन सब्सटेंस इन लीव। पत्तियों में हरापन पाया जाता है वो है, या फ्लैट वो सरफेस ऑफ द लीव, पत्तियों की समतल सतह है, या नॉन ग्रीन प्लांट है, हरा पौधा ही नहीं है, या इतनी ओपनिंग इन लीव यानी पौधे में छोटा छिद्र पाया जाता है वो है, या कार्बन डाइऑक्साइड वाटर लाइट। कार्बन डाइऑक्साइड पानी हवा है? नहीं, क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन सब्सटेंस इज लीव। फिर उसके बाद है स्ट्रोमेटा। स्ट्रोमेटा हमने कई बार आपको बताया है कि क्या है, टिनी ओपनिंग इन लीव। पत्तियों में जो छोटा छिद्र पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमेटा। फिर उसके बाद क्या है आपका फोटोसिंथेसिस। हमने कई बार बताया है फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण क्रिया है, पौधे अपना भोजन तैयार करने के लिए करते हैं। पौधे अपना भोजन किस तरह तैयार करते हैं? पौधे अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और लाइट के माध्यम से ही बनाते हैं। फिर है मशरूम। मशरूम क्या है? मशरूम एक नॉन ग्रीन प्लांट है, वह एक हरा पौधा नहीं है। लीफ ब्लेड। लीफ ब्लेड क्या है? फ्लैट बोर्ड सरफेस ऑफ द लीफ, लीफ की समतल सतह है। उसी तरीके से आपकी ये मैचिंग कंप्लीट हो चुकी है और आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। आपको जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताइए, उसके बाद हम आगे का आपको कल बताएंगे। थैंक यू।